टर्न में मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों की ओर बढ़ेंगे उस पर नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। एमपी कांग्रेस फिर टूट उप चुनाव से पहले दमोहा विधायक राहुल सिंह लोधी का इस्तीफा, एक घंटे बाद भाजपा में शामिल। कांग्रेस विधायक के पार्टी छोड़ने पर दिग्विजय भड़के, पूर्व सीएम पर बोले मामा को झोले में काली कमाई में विधायक बिका। मुख्यमंत्री की चुनावी जनसभा, शिवराज ने फिर दोहराया प्रदेश के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका मुफ्त लगवाएंगे। उपचुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस के बीच शब्दों की जंग, कमलनाथ का सुराज वितंज, कहा आंख कान भले ना चले मुंह बहुत चलता है। दशहरे पर परंपरा टूटी, इंदौर में कोरोना ने रावण को किया बौना, 111 फुट के बजाय 21 फुट के ऊंचे जलता पुतला दहन। भोपाल में नराय की नाबालिग बेटी से पहले की सोशल मीडिया पर दोस्ती, फिर घर में आकर किया दुष्कर्म। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। अब रुक करते हैं खबरों का। अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में पीएम मोदी ने देशवासियों को एक बार फिर से दशहरे की बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि दशहरे के संकटों को जीत के का भी पर्व है। पीएम ने कहा कि दशहरे असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है, तो साथ ही ये त्योहारों के संकट में जीत का उत्सव भी है। देखिए, मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। आज विजयादशमी यानी दशहरे का पर्व है। इस पावन अवसर पर आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। दशहरे का ये पर्व असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है, लेकिन साथ ही ये एक तरह से संकटों पर धैर्य की जीत का पर्व भी है। आज आप सभी बहुत संयम के साथ जी रहे हैं, मर्यादा में रहकर पर्व त्योहार मना रहे हैं। इसलिए जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें जीत भी सुनिश्चित है। पहले दुर्गा पंडाल में मां के दर्शनों के लिए इतनी भीड़ जुट जाती थी, एकदम मेले जैसा माहौल रहता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। पहले दशहरे पर भी बड़े बड़े मेले लगते थे, लेकिन इस बार उनका स्वरूप भी अलग ही है। रामलीला का त्योहार भी उसका बहुत बड़ा आकर्षण था, लेकिन उसमें भी कुछ न कुछ पाबंदियां लगी है। पहले नवरात्र पर गुजरात के गरबा की गूंज हर तरफ छाई रहती थी, इस बार बड़े बड़े आयोजन सब बंद है। अभी आगे और भी कई पर्व आने वाले हैं। अभी ईद है, शरद पूर्णिमा है, वाल्मीकि जयंती है, फिर धनतेरस, दिवाली, भाई दूज, छठी मैया की पूजा है, गुरु नानक देव जी की जयंती है। कोरोना के संकट काल में हमें संयम से ही काम लेना है, मर्यादा में ही रहना है। साथियों, जब हम त्योहार की बात करते हैं, तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले मन में यही आता है कि बाजार कब जाना है, क्या क्या खरीदारी करनी है। खासकर बच्चों में तो इसका विशेष उत्साह रहता है कि इस बार त्योहार पर नया क्या मिलने वाला है। त्योहारों की ये उमंग और बाजार की चमक एक दूसरे से जुड़ी हुई है, लेकिन इस बार जब आप खरीदारी करने जाएं तो वोकल फॉर लोकल का अपना संकल्प अवश्य याद रखें। बाजार से सामान खरीदते समय हमें स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देनी है। साथियों, त्योहारों के इस हर्षोल्लास के बीच में लॉकडाउन के समय को भी याद करना चाहिए। लॉकडाउन में हमने समाज के उन साथियों को और करीब से जाना है जिनके बिना हमारा जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाता। सफाई कर्मचारी, घर में काम करने वाले भाई बहन, लोकल सब्जी वाले, दूध वाले, सिक्योरिटी गार्ड्स, इन सब का हमारे जीवन में क्या रोल है, हमने अब भली भांति महसूस किया है। कठिन समय में ये आपके साथ थे, हम सबके साथ थे। अब अपने पर्वों में, अपनी खुशियों में भी हमें इनको साथ रखना है। मेरा आग्रह है, जैसे भी संभव हो, इन्हें
अपनी खुशियों में जरूर शामिल करिए, परिवार के सदस्य की तरह करिए, फिर आप देखिए आपकी खुशियां कितनी बढ़ जाती है। साथियों, हमें अपने उन जाबाज सैनिकों को भी याद रखना है जो इन त्योहारों में भी सीमाओं पर डटे हैं, भारत माता की सेवा और सुरक्षा कर रहे हैं। हमें उनको याद करके ही अपने त्योहार मनाने हैं। हमें घर में एक दिया भारत माता के इन वीर बेटे बेटियों के सम्मान में भी जलाना है। मैं अपने वीर जवानों से भी कहना चाहता हूं कि आप भले ही सीमा पर हैं, लेकिन पूरा देश आपके साथ है, आपके लिए कामना कर रहा है। मैं उन परिवारों के त्याग को भी नमन करता हूं जिनके बेटे बेटियां आज सरहद पर है। हर वो व्यक्ति जो देश से जुड़ी किसी न किसी जिम्मेदारी की वजह से अपने घर पर नहीं है, अपने परिवार से दूर है, मैं हृदय से उसका आभार प्रकट करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जब हम लोकल के लिए वोकल हो रहे हैं तो दुनिया भी हमारे लोकल प्रोडक्ट्स की फैन हो रही है। हमारे कई लोकल प्रोडक्ट्स में ग्लोबल होने की बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे एक उदाहरण है खादी का। लंबे समय तक खादी सादगी की पहचान रही है, लेकिन हमारी खादी आज इको फ्रेंडली फैब्रिक के रूप में जानी जा रही है। स्वास्थ्य के दृष्टि से ये बॉडी फ्रेंडली फैब्रिक है, ऑल वेदर फैब्रिक है, और आज खादी फैशन स्टेटमेंट तो बन ही रही है। खादी की पॉपुलैरिटी तो बढ़ी रही है, साथ ही दुनिया में कई जगह खादी बनाई भी जा रही है। मैक्सिको में एक जगह है ओहाका। इस इलाके में कई गांव ऐसे हैं जहां स्थानीय ग्रामीण खादी बुनने का काम करते हैं। आज यहां की खादी ओहाका खादी के नाम से प्रसिद्ध हो चुकी है। ओहाका में खादी कैसे पहुंची, ये भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है। दरअसल मैक्सिको के एक युवा मार्क ब्राउन ने एक बार महात्मा गांधी पर एक फिल्म देखी। ब्राउन ये फिल्म देखकर बापू से इतना प्रभावित हुए कि वो भारत में बापू के आश्रम आए और बापू के बारे में और गहराई से जाना समझा। तब ब्राउन को एहसास हुआ कि खादी केवल एक कपड़ा ही नहीं है, बल्कि ये तो एक पूरी जीवन पद्धति है। इससे किस तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता का दर्शन जुड़ा है, ब्राउन इससे बहुत प्रभावित हुए। यहीं से ब्राउन ने ठाना कि वो मैक्सिको में जाकर खादी का काम शुरू करेंगे। उन्होंने मैक्सिको के ओहाका में ग्रामीणों को खादी का काम सिखाया, उन्हें प्रशिक्षित किया, और आज ओहाका खादी एक ब्रांड बन गया है। इस प्रोजेक्ट की वेबसाइट पर लिखा है द सिंबल ऑफ धर्म इन मोशन। इस वेबसाइट में मार्क ब्राउन का बहुत ही दिलचस्प इंटरव्यू भी मिलेगा। वे बताते हैं कि शुरू में लोग खादी को लेकर संदेह में थे, परंतु आखिरकार इसमें लोगों की दिलचस्पी बढ़ी और इसका बाजार तैयार हो गया। ये कहते हैं ये राम राज्य से जुड़ी बातें हैं। जब आप लोगों की जरूरतों को पूरा करते हैं तो फिर लोग भी आपसे जुड़ने चले आते हैं। साथियों, दिल्ली के कनॉट प्लेस के खादी स्टोर में इस बार गांधी जयंती पर एक ही दिन में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदारी हुई। इसी तरह कोरोना के इस समय में खादी के मास्क भी बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। देश भर में कई जगह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और दूसरी संस्थाएं खादी के मास्क बना रहे हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव है जिसको लेकर चुनाव प्रचार जोरों पर है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील की है। साथ ही कांग्रेस के पर कमलनाथ पर जोरदार हमला किया है। क्या कुछ कहा आपको दिखाते हैं। आगे आप चिंता मत करना, कमलनाथ ने जो ब्याज की गठरी कर्जा माफी के नाम पे आपके सिर पे ला दी वो मामा शिवराज सिंह चौहान उतारेगा। किसानों को सम्मान निधि मोदी जी 6,000 दे रहे थे, उसमें 4,000 और जोड़ के मैंने 10,000 कर दिए ताकि हर किसान के खाते में हर साल पैसा आए।
और बेटे बेटियों भर्ती पे जो प्रतिबंध लगा था वो भी मैंने हटा दिया ताकि नई भर्ती हम इसकी सेवा में कर सके। संबल योजना जो बंद कर दी थी वो फिर से चालू कर दी है। आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि कोई चूक इस बार ना हो। मनोज चौधरी जी के कारण उन्हें त्याग पत्र दिया, कांग्रेस की सरकार गिरी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी मेरी सरकार बनी है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि उस सरकार को स्थिर और स्थायी करने के लिए आप कमल के फूल का बंडल दबा के भाई मनोज चौधरी को जिताएं। मनोज चौधरी के कमल के वोट दबे, कमल की वोट दबेगी तो आपका वोट डायरेक्ट मामा शिवराज सिंह चौहान को भी मिल जाएगा और मोदी जी को भी मिल जाएगा। बोले भारत माता की। भाई ने भाइयों की फीस में भरवाता था, कमलनाथ जी आपने वो फीस भरवाना भी बंद कर दिया। भाई के पिया के बहनों और भाइयों, किसी भी जाति के बेटा बेटी हो, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, अगर वो मेधावी और उनकी पारी का परिवार की आय 8 लाख रुपए से कम है तो मेडिकल कॉलेज की फीस भी मम्मी पापा नहीं मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। सारी जन कल्याणकारी योजनाओं ने बंद कर दी। मेरी बहनों, बेटा बेटी को जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 मैं देता था, कमलनाथ ने बंद कर दिया, फिर से चालू कर रहा हूं, चिंता मत कर। कन्यादान योजना फिर चालू हो गई और किसान भाइयों कर्जे की माफी की पोर्ट के चक्कर में ब्याज की कोर्ट की जो आपके सिर पर रखी थी कमलनाथ ने, वो कोर्ट भी ब्याज की शिवराज सिंह चौहान आपके माथे से हटाएगा। किसान सम्मान निधि की राशि अब 6,000 प्रधानमंत्री जी के और 4,000 मामा के आएंगे, 5 बार 2,000 रुपया मिलेंगे। और मेरी बहनों, कन्यादान योजना भी शुरू होगी, भगवान ना करे एक्सीडेंट में मौत हो गई तो 4 लाख और अंतिम संस्कार के लिए 5,000 का इंतजाम फिर से कर दिया गया है। आज लंबा रोड शो है, बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, मत करो मुझे। लेकिन कमलनाथ ने तबाह और बर्बाद किया प्रदेश को। मनोज चौधरी जी को धन्यवाद दूंगा, सिंधिया जी को धन्यवाद दूंगा, कांग्रेस की सरकार गिरी उसके कारण फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। भाई नेता जी भी हमारे साथ हैं, चाहे बागली हो और चाहे हाट पिपलिया हो, दोनों कॉलेजों में BSc और BCom की क्लास चालू कर दी जाएगी। आप सबसे मेरी एक बात सुनाए कि कोई कसर मत छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थिर करिए, स्थायी करिए, मामा को भी स्थिर करिए, जरूरी है कि नहीं बताओ। आज अपील करने में आया हूं पूरे नेतृत्व के साथ, मेरे नाम इसलिए लेंगे कि बहुत लंबा रोड शो है। अच्छा, मुझे तो कहा था 2 घंटे का, मामा का उपवास भी है, अभी व्रत तोड़ा नहीं है मैं, चाय की जुगाड़ करनी पड़ेगी, खिलाड़ी फास्ट वाला है ना, वही खिला देना। लेकिन मैं आपको वचन देता हूं कि विकास के कामों में ना तो कम कमी किए ना आगे कोई कमी रखूंगा। आपसे यही प्रार्थना है, कमर के फूल की बटन दबाए और भाई मनोज चौधरी जी को फिर से विजयी बनाए ताकि विकास की यात्रा जो स्वर्गीय कैलाश जोशी जी ने प्रारंभ की थी उसको तेजी से आगे बढ़ा के यहाँ की तस्वीर भी बदले और जनता की तकदीर भी बदले। बोलिए आप सब तैयार है, दोनों हाथ ऊपर उठा के दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले कांग्रेस का एक और बड़ा झटका लगा है। वोटिंग से 8 दिन पहले दमोह विधायक कांग्रेस राहुल सिंह लोधी ने पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने प्रोटम स्पीकर रामेश्वर वर्मा शर्मा को रविवार सुबह इस्तीफा सौंपा। इसके 1 घंटे बाद ही वह भाजपा में शामिल हो गए। इस्तीफा देने के बाद राहुल लोधी सीधे भाजपा कार्यालय पहुंचे और यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा शामिल हो गए। सम्मानीय अध्यक्ष जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय श्रीमान भूपेंद्र जी चुनाव प्रबंधन की कमान के हाथों में है,
महामंत्री आदरणीय भगवान दास रतनानी जी और बुंदेलखंड के युवा और लोकप्रिय नेता जो अभी विधायकी से इस्तीफा देकर आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं, आदरणीय राहुल लोधी जी, मित्रों, आप सबको विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को। मित्रों, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी आज हो गई है जिसकी ना दिशा है ना गति है। आदरणीय कमलनाथ जी ने प्रदेश की मंत्री इमरती देवी जी पर टिप्पणी की, राहुल जी ने दुर्भाग्यपूर्ण माना, क्षमा मांगी, लेकिन कमलनाथ जी ने कह दिया कि मैं माफी नहीं मांगता। राहुल जी को किसी ने समझा दिया होगा तो कैसे श्री राहुल गांधी की ना समझ है। मध्यप्रदेश कांग्रेस किस दिशा में जा रही है? ऐसा लगता राहुल गांधी कांग्रेस अलग है और कमलनाथ कांग्रेस अलग है। सारी चीजें एक ही व्यक्ति के हाथ में केंद्रित है। मुख्यमंत्री का मौका आया तो श्री कमलनाथ जी, प्रदेश अध्यक्ष का मौका आया श्री कमलनाथ जी, नेता प्रतिपक्ष का मौका आया श्री कमलनाथ जी, मुख्यमंत्री कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, अध्यक्ष कमलनाथ, और बीच में तो यह भी बात आई थी कि युवाओं के नेता नकुलनाथ। तो पार्टी कांग्रेस कौन आते ये कौन पूछ रहा है? और इसलिए कांग्रेस आज बिखर रही है। एक तरफ सरकार में रहते हुए विकास के काम नहीं किए, वचन पूरे नहीं किए, वादे नहीं निभाए, विकास ठप्प कर दिया, एक नए पैसे का विकास नहीं किया, जन कल्याणकारी योजना रोक दी गई थी, जनता के प्रति स्नेह ममत्व करुणा संवेदना का आता पता नहीं। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। आपदा को अवसर में बदलकर योगी सरकार आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रही है। सूबे में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान उसी कड़ी का हिस्सा है। एमएसएमई ओडीओपी के साथ निर्माण परियोजनाओं और ग्राम्य विकास से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों से 1,25,00,000 लोगों को रोजगार से जोड़ा है। सफलतापूर्वक इतने बड़े पैमाने पर रोजगार सेवायोजन और स्वतः रोजगार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। जो कामगार और श्रमिक हैं इनके लिए पर्याप्त मात्रा में रोजगार सृजन की आपके मार्गदर्शन में सभी संभावनाएं प्रदेश में मौजूद हैं। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान से युवा और श्रमिक खुश हैं। ये अभियान रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने और औद्योगिक संगठनों के साथ साझेदारी करने पर केंद्रित है। योगी सरकार ने जहां नई इकाइयों को करोड़ों का ऋण दिया, वहीं MOU साइन करके रोजगार का सृजन किया। रोजगार मेले के जरिए मौजूदा यूपी सरकार लगातार नौकरियां बांट रही है। पहले इन्वेस्टर्स समिट और फिर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करके योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में बड़ा निवेश करवाया। उद्योग धंधे, फैक्ट्री लगने और कंपनियों के आने से हजारों लोगों को रोजगार हासिल हुआ और ये सब कुछ संभव हुआ योगी सरकार के विजन और अच्छी नीतियों की बदौलत। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बढ़ते खबरों की ओर। खबर डिंडोरी से है जहां बाजगांव मुख्यालय पडरिया डोगरी में मिनी स्टेडियम के निर्माण कार्य को ठेकेदार द्वारा कराया जा रहा है। रास्ते पर पुल का निर्माण कार्य चल रहा है जिसके चलते यहां के स्थानीय निवासियों का कहना है कि लाखों की लागत से बन रहे पुल को घटिया सामग्री से तैयार करवाया जा रहा है जिससे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं ग्रामीणों का यह भी कहना है कि इस कार्य की उच्च जांच अधिकारी करनी चाहिए और जिससे यहां पर बन रहे पुल की निर्माण सही तरीके से हो सके। मध्य प्रदेश के चुनावी दंगल में भाजपा सांची विधानसभा सीट में कुछ ज्यादा ही फोकस कर रही है। यहां पर से स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम को प्रत्याशी बनाया गया है जिनकी साख दांव पर लगी हुई है। जिनके चुनाव प्रचार में प्रदेश के मुखिया से लेकर पार्टी अध्यक्ष बीडी शर्मा के अलावा प्रदेश के वर्तमान और पूर्व मंत्री ने डेरा डाल रखा है। भाजपा और कांग्रेस की ताबड़तोड़ सभाएं कर रही है। कांग्रेस के मदन लाल चौधरी जो भाजपा के प्रभुराम चौधरी हैं तो यहां चुनाव प्रचार पहुंचने पूर्व मंत्री विधानसभा प्रभारी श्री राम पाल सिंह और विदिशा विधायक रमाकांत भार्गव प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा से केन्द्र संवाददाता ने खास बातचीत की, आपको दिखाते हैं। नमस्कार, आज हम हैं सांची विधानसभा के गांव हरदौट में जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े हुए हैं और बीजेपी से खड़े हुए हैं प्रोग्राम चौधरी, और यहीं पर आइए हम उनसे मुलाकात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री भार्गव जी से। नमस्कार सांसद जी, गुजर आ गए भैया दिल्ली तक। गारंटी और विश्वास से कह सकते हैं कि रिकॉर्ड मतों से, जैसे सांसद जी ने लोकसभा में रिकॉर्ड मतों से जीत दिलाई थी, उससे ज्यादा मतों से आदरणीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, वो सरल है और यहाँ के रहने वाले, उनको उनसे ज्यादा वोटों से हम जिताने का संकल्प क्षेत्र की जनता ले रही, संकल्प आशीर्वाद दे रही जनता। तो ऐसा क्या लग रहा है कि मतलब साथी के साथ साथ ये यहाँ से चुनाव जो कांग्रेस से खड़े हुए प्रत्याशी मदन लाल जी, उनके गांव से भी बीजेपी बढ़त लेगी? इस गांव में अभी स्टाम्प पे लिखा लो रिकॉर्ड मतों से हम वोट में हम जीतेंगे, अभी लिखित में हमसे ले लो शपथ पत्र, ये लोग दे देंगे। ये थे हमारे साथ भार्गव जी, सांसद जी और साथ में पूर्व मंत्री जी रामपाल जी, जिनका ये कहना है कि सांची विधानसभा के साथ से तो हम जीतेंगे ही, उसके अलावा जो कांग्रेस के प्रत्याशी मदन लाल जी हैं उनके गांव हरदौट से भी हम बहुमत से बीजेपी जीत के मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाएंगे। कैमरामैन सुशांत के साथ मैं ब्रजेश तिवारी, के न्यूज इंडिया, हरदौट, रायसेन, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी ने संघ प्रचारक चेतन भार्गव को जिम्मेदारी बढ़ाते हुए 6 विधानसभाओं का प्रभारी बनाया है। इसके लिए बकायदा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें बीजेपी में शामिल भी कराया है। चेतन भार्गव से खास बातचीत की हमारे विशेष संवाददाता ब्रजेश तिवारी ने। नमस्कार, आज हमारे साथ है संघ प्रचारक चेतन भार्गव जी, जो हाल ही में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। आइए हम उनसे करते एक मुलाकात। सर, आप ये बताइए कि अभी भी जो आपने ज्वाइन किया है यहाँ पर संघ, आप बहुत बड़े संघ प्रचारक माने गए हैं और संघ प्रचारक सीधे भाजपा में आए हैं, तो आपकी जो आपको जो ज्वाइनिंग हुई वो कौन बड़े नेताओं के द्वारा हुआ? मेरी ज्वाइनिंग जो कराई है हमारे मध्य प्रदेश के जननायक, हमारे मध्य प्रदेश के जनता के दिलों की धड़कन और भांजे भांजियों के मामा, पूरे प्रदेश की चिंता करने वाले हमारे यशस्वी प्रभावी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान जी ने मेरी ज्वाइनिंग कराई है। कल देगांव के अंदर जो सभा थी उस सभा में उन्होंने यही मुझे भगवा कमल के फूल का पट्टा उड़ाकर मुझे भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाया है और यही सबसे बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जिन्हें मेरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर ज्वाइनिंग कराई। ये थे हमारे साथ चेतन भार्गव जी, जिनसे अभी मुलाकात की है और उनका सीधा कहना है कि मध्य प्रदेश में हम 28 से 28 सीटों में भाजपा को जिताएंगे। कैमरामैन प्रवीण के साथ मैं ब्रजेश तिवारी, के न्यूज इंडिया, रायसेन, मध्य प्रदेश। अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई आज मध्य प्रदेश के सांची विधानसभा पहुंचे, चुनावी दंगल में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इस मौके पर हमारे विशेष संवाददाता ब्रजेश तिवारी उनसे खास बातचीत की, आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मैं ब्रजेश तिवारी, आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल जी, आइए हम उनसे करते हैं मुलाकात। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बहुत तेजी से तैयारी चल रही है और आपका जो आगमन सांची में हुआ है
प्रभुराम चौधरी जी के सपोर्ट में ही हुआ होगा, बाकी माना जाए उसके मामले में सर क्या बोलना चाहिए, साथ ही विधानसभा में क्या स्थिति लग रही है आपको अभी चुनाव को लेकर? मुझे लगता है चुनाव मुद्दों पे लड़े जाते हैं, चुनाव विकास पे लड़े जाते हैं, लेकिन कांग्रेस मुद्दों से भटक गई है। कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, दागदार उनके चेहरे हैं नेतृत्व में। भारतीय जनता पार्टी के पास बेदाग चेहरे हैं, चाहे वो शिवराज सिंह हो जिनके प्रति जनता की श्रद्धा और विश्वास है, चाहे हमारे बी डी शर्मा जी हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो, चाहे नरेंद्र सिंह जी कैलाश विजयवर्गीय हो, बेदाग चेहरे हैं। और दूसरा, एक तरफ लोगों का कल्याण, लोगों का विकास, किसानों को प्रगति करना, गरीब मजदूरों के लिए उत्थान करना, ये कहीं ना कहीं हमारे पास मुद्दे हैं। गद्दारी तो वो करता है जो निर्दोष लोगों की हत्या करता है, गद्दारी तो वो करता है जो चीन को जमीन दबा के दे देता है फिर भी कुछ नहीं बोलता है। और इसलिए ये गद्दारी शब्द निर्दोष लोगों से कहना और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों से कहना, मुझे लगता है जिस प्रत्याशी के बारे में कहा जाएगा उसके क्षेत्र की जनता का अपमान भी है, क्योंकि वो प्रत्याशी वहां से चुनाव लड़ रहा है। अगर उसके बारे में गद्दारी कह जाती है कांग्रेस के नेताओं द्वारा, तो कहीं ना कहीं वो प्रत्याशी के साथ साथ उस क्षेत्र की जनता को भी गाली है कांग्रेस की। इसलिए इस गाली का बदला 3 तारीख को मध्य प्रदेश की जनता लेगी। सर क्या लग रहा है आपको मध्य प्रदेश के चुनाव में 28 सीटों में से कितनी सीटें आप निकाल लेंगे? मुझे तो लग रहा है कि 28 की 28 जगह कमल खेलने वाला है और कांग्रेस को अपनी औकात समझ में आने वाली है। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ मजदूर जानी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लाल सिंह जी, जिनका कहना है कि हम मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहा है उसमें से 28 में से 28 सीटों को कमल का फूल खिलाएंगे और 28 सीटों से जीतेंगे और मध्य प्रदेश में फिर से शिवराज की सरकार बनाएंगे। कैमरामैन सुमन के साथ ब्रजेश तिवारी, के न्यूज इंडिया, रायसेन, मध्य प्रदेश। फिलहाल खबरों में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।